नमस्कार दोस्तों, मैं दीपकी पंजाबी रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किचन में हमेशा मैं आपको रेसिपी बनाना बताती हूँ। आज मैं आपको बताऊँगी किचन में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसे हम फेस पर लगाते हैं और फेस पे इतना ग्लो आ जाता है। ये देखें, यहाँ पर मैंने लिए है नेस्ले कॉफ़ी का छोटा पाउच, आधा नींबू और थोड़ी सी चीनी। सबसे पहले मैं इसके फेस पर लगाकर इसका जो जिसे स्क्रब करते हैं वैसे करेंगे, और जे आपको बताएंगी मेरी जिठानी। जी देखें, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मनदीप की जिठानी। मैं आपको आज घर पर कॉफ़ी का स्क्रब और फेस पैक बनाना दिखाऊंगी। आपके जैसे बच्चों की बर्थडे पार्टी है या आपको कहीं जाना है या आपको कोई छोटी मोटी घर पर पार्टी हो, आप ये स्क्रब और फेस पैक घर पर बनाकर लगा सकते हैं। मैं ये मनदीप के फेस पर अप्लाई करूंगी। आप इसे वीडियो को ज़रूर देखें। देखिए यहाँ मैंने एक प्लास्टिक का बाउल लिया है। आप जब भी स्क्रब बनाए प्लास्टिक का बाउल लें। वहाँ पर मैं डाल दूँगी आधा पाउच कॉफ़ी का। देखिए मैंने आधा पाउच डाल लिया है, और इसमें मैं डालूँगी थोड़ी सी चीनी। चीनी जो फेस पर बहुत अच्छा स्क्रब करती है। और थोड़ा सा नींबू, नींबू जो हमारे चेहरे पर दाग धब्बे होते हैं उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। और इन सभी को हमें मिक्स कर लेना है। देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसे हमें 2 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। देखिए, अब मैं स्क्रब जो मंदीप के चेहरे पर लगा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा आपको चेहरे पर ऐसे लगाना है। हल्के हाथ से इसे स्क्रब करना है कि जो हमारे ब्लैक हैंड्स या वाइट हैंड्स जो भी हैं आपके चेहरे पर सब निकल जाए। देखिए कितना ये चिपचिपा सा बन गया है और इससे ग्लो बहुत ही ज्यादा आता है स्क्रब करने से। आपको हल्की मसाज एक हिसाब से 5 मिनट ऐसे ही करनी है। नाक के ऊपर ज़्यादा ब्लैक हेड्स होते हैं, उसके ऊपर थोड़ी चीनी के साथ आप स्क्रब करें। ऐसे आपको मसाज करनी है सारे चेहरे पर। यहाँ मैंने फेस पैक बनाने के लिए यह लिया है जो आधा पाउच रह गया तो कॉफ़ी का, वो थोड़ा सा बेसन, दही और शहद। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पहले बेसन। बेसन वैसे भी चेहरे पर बहुत ज़्यादा ग्लो लाता है। थोड़ा सा दही और कॉफ़ी। थोड़ा सा शहद। आपके चेहरे पर अगर झुर्रियाँ हैं या थोड़े से दाग धब्बे हैं, ये फेस पैक और स्क्रब लगाने से वो दूर हो जाते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेना आपको। देखिए अच्छे से मिक्स हो गया है। अब पहले मैं आपको मनदीप का चेहरा दिखाऊंगी कि वो स्क्रब उसे जो स्क्रब किया था अच्छे से उसे उसने धो लिया है। देखिए उसका चेहरा कितना साफ हुआ है। देखिए स्क्रब लगाने से ही चेहरा कितना साफ हो गया है। अब मैं आपको फेस पैक लगाकर दिखाऊंगी। देखिए अब मैं चेहरे पर फेस पैक लगा रही हूँ, आप इसे हाथ से ही लगाएं। ये सारे चेहरे पर
आपको अच्छे से लगा देना है। इससे जो आपके चेहरे पर कोई दाग धब्बे, आप अगर हफ्ते में 2 बार इसका यूज़ करें तो देखिएगा आपका चेहरा कितना सुंदर हो जाएगा और जो दाग धब्बे भी अच्छे से सब दूर हो जाएंगे। अच्छे से आपको लगा देना है। देखिए फेस पैक मैंने ये चेहरे पर लगा दिया अच्छे से। अब इसे 5-10 मिनट ऐसे ही अच्छे से सूखने देंगे कि ये अच्छे से सूख जाए, फिर हम चेहरा अपना वॉश कर लेंगे। देखिए जो फेस पैक लगाया था, देखिए अच्छे से सूख चुका है। देखिए कैसे फेस पैक हमारी त्वचा के जैसा अंदर जैसे चला जाता है ना, वैसे अच्छे से सूख गया है। अब मैं इसको पानी और कॉटन के साथ चेहरे को साफ करूँगी। आपको कॉटन के साथ अच्छे से साफ कर लेना है। देखिए चेहरा कितना नीचे से ग्लो वाला दिखाई दे रहा है। देखिए कितना साफ हो गया है चेहरा। देखिए देखिए कैसे चेहरा कितना ही ग्लो कर रहा है। सभी आपको कॉटन के साथ साफ कर कर एक बार आप साफ पानी के साथ अच्छे से आप वॉश कर सकती हैं चेहरे को। देखिए चेहरा कितना साफ हो गया। देखिए कितने दाग धब्बे भी कितने कम हो गए। अगर आप इसका रेगुलर यानी कि हफ्ते में एक बार इसका यूज़ करें तो आपकी त्वचा बहुत ही ज़्यादा ग्लो करने लगेगी। आपको किसी भी पार्टी या बर्थडे पार्टी या कहीं भी जाना हो आप ये फेस पैक और स्क्रब घर पर बनाकर लगा सकते हैं। जी देखिए आप मेरा चेहरा देख रहे हैं, फेस पैक लगाया है जो मेरे बड़े दीदी ने मेरे फेस पर पहले स्क्रब किया था, अब मैंने फेस पैक लगाया है। आप देख रहे हैं कितना ग्लो आने लगा है फेस पर। आप इस फेस पैक को घर पर ट्राई करें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए।